श्रीमन्नारायण। दोस्तों मैं मंजू सती अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सब कुशल होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत इवनिंग हो रही है, जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग इतने दिन से आप लोगों को बता रहे थे और मैं अवगत करा रही थी, कभी बोल के कभी ब्लॉग के माध्यम से, और हमारी सभी लोगों की संस्थाओं ने आपको बताया है, तो वही फाइनली वो समय आ गया है और वो घड़ी आ गई है। तो दोस्तों मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ, चलते हैं वहीं पर और मांगते हैं इंसाफ। जितना अपने से हो सकता है हम लोग उतना करते हैं। फिलहाल मैं वहाँ पर जा रही हूँ, देखते हैं कितने लोग वहाँ पर आए हैं, कितने एकत्रित हैं, तो वहीं का दिखाती हूँ मैं आपको, आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनों में, ताकि आवाज़ सब तक पहुँचेगी। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ और दिखाती हूँ आपको वहाँ पर। तो दोस्तों फाइनली हम लोग गेट पर पहुँच गए हैं और सबका इंतज़ार करते हैं कि करके सभी महिलाएँ आनी शुरू हुई हैं। तो देखते हैं और करते हैं इस कार्यक्रम को जोर शोर के साथ। हमारा पूर्ण विश्वास है कि हम बिल्कुल मुकाम तक पहुंचेंगे। अगर सारे लोग आते हैं तो बिल्कुल उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं और पहुंचते हैं अपने मुकाम पर। जिस कार्य को करने के लिए आए हैं उसी कार्य को करते हैं। तो फिलहाल हम लोग गेट पर सबका इंतजार करें। धीरे धीरे करके महिलाएँ इकट्ठी हो गई हैं, इतने ही लोग आ गए हैं, बाकी और आएंगे। नहीं तो दोस्तों धीरे धीरे सब लोग एकत्रित हो रहे हैं और कुछ लोग आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं सबका, सभी आ जाते हैं तो फिर लोग हम लोग चलते हैं। तो फिलहाल इतने लोग हैं हम लोग अभी, और धीरे धीरे बढ़ रही है। एक अंकल जी भी हमारे साथ और धीरे धीरे संगत बढ़ रही है। तो माता की जय। मैं सभी बहनों का स्वागत करती हूँ जो आज इस शांति मार्च में मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं। मेरी मंजू बहन, अनीता बहन और सारी बहनें जो मेरे साथ हैं, और पास में जो बहनें खड़ी हैं उनसे भी, भाइयों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप भी जरूर हमारे इस कैंडल मार्च में साथ प्रेयर करेंगे और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। पर एक निवेदन करना चाहूंगी, जल्दबाजी भगा हो चुके हमारे प्रोग्राम की, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, प्लीज मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप लोग सभी देखिए, जरूर देखिए। उस बेटी के लिए आंखों में, मतलब दिल में इतना दर्द है कि उसको जब सोचते हैं देखते हैं, भगवान कभी ना दे। बस बिल्कुल जैसे मिर्जा केस में सच काम नहीं बना था उस टाइम पे, अब भी कोई ऐसा सच काम नहीं बनना चाहिए, किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं इस चीज़ के लिए पूरे देश को धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि वो एक बेटी के साथ आए और जो उसके पेरेंट्स उनका भी हौसला बढ़ाया उन्होंने। क्या मांग करते हैं आप? डालिया राव में बना लियो, सबसे बना लेना जाना चाहिए। देखिए दोस्तों हम लोग बिल्कुल सब आगे चलें, कैंडल बुझ ना जाए और उसके साथ साथ अपने कपड़ों का भी ध्यान रखें। सारी बहन एकजुट हो गई हैं और कर रही हैं, देखो अपनी तन मन से लग रहे हैं सारे और कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। देखिए सारे लोग एकत्रित हो गए हैं। सभी बहन आप अपने ध्यान रखिए, अपने कपड़ों का ध्यान रखें, मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ। और सभी साथ चले, दादाजी लोग बैठे हैं, भाभी को पहन में टच कर। हाँ फोटो
करते हुए ये कैसा मार्ग निकाल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी का सहयोग मिलने मिले। जैसे कोई परेशानी हो तो बता दें, चलने में किसी को जल्दी चलना है या थोड़ा रुक के चलना है तो आराम आराम से, क्योंकि माताएं भी साथ में हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं, गली गलियों में जा रहे हैं और कर रहे हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से, मैं आप सभी को दिखा रही हूँ इस प्रोग्राम को। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, सबके लहरी में इसलिए पीछे रोकने की सबको आना चाहिए। वो एक पैकेट में होता है, के लिए आए हुए हैं और सभी लगन के साथ सभी अपने घर से आए हुए हैं और उस बेटी के लिए जिसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ तो उसके लिए हम लोग निकले हैं कि उसको इंसाफ मिले और उन दरिंदों को भी ऐसी सजा मिले उनको भी इसी तरह का जिस तरह उसके साथ उन्होंने किया है। इसलिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं कि ताकि उसको उन लोगों को यही सजा मिले और हमारी बेटी को इंसाफ मिले। तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं हम लोग और मैं दिखाई रही हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और पीछे भी हैं कुछ आगे भी हैं, तो मैं भी अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को दिखा रही हूँ प्रोग्राम। प्लीज़ जरूर शेयर करें और देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। तो दोस्तों हम लोग मार्केट में निकल गए हैं जे बी से और यहाँ पर भी घुमाते हैं, ये देखिए। सभी बहनें शांति से आए और अब हम से राइट हो रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी आगे के लिए रास्ता छोड़ दें। मैं अपील करना चाहूँगी कि हमारी जो ट्रेनिंग डॉक्टर बेटी थी उसके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है वो शर्मनाक और दर्दनाक था। और जो संजय रॉय जिसने किया है वो तो एक राक्षस योनि का था। मैं उसके माँ बाप पे क्या होता है हम अपनी जगह रख के देखें तो उस बात को। तो ये तो संजय रॉय है, ये तो एक छोटा सा नमूना है। असली तो पूरी जो जड़ है, जो हम सोचते हैं कि पूरी जो क्या है, कितने लोग उसके पीछे छिपे हुए हैं। इससे पहले भी उस हॉस्पिटल में कितने पहले बॉडी पार्ट्स देखने के उसमें हुए थे उनके प्रिंसिपल, दूसरा उन्हों पर ड्रग्स वहाँ पर अफीम वगैरह रखी थी। तो उस बेटी ने कहीं ना कहीं शायद आवाज़ उठाने की कोशिश की। अगर हम गलत काम पर हमारी बेटी अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम कैसे चला पाएंगे। और उन बेटी ने जो आवाज़ उठाई तो उसके साथ ऐसा हुआ, ऐसा होना चाहिए था कोई, क्योंकि गलत काम पे आवाज़ उठाना हमारा सबका अधिकार है। तो ये मार्च निकाले गए हैं और ये बड़ा रूप लेने वाले हैं, तो लेना भी चाहिए। वी वांट जस्टिस। Thank you.
भाई सरकार तुम्हारी, एमसीडी तुम्हारी, काउंसलर तुम, फिर तुम रोड देखो दोस्तों फाइनली हमने एक कैंडल जल दिया भगवान के हाथ को शांति दे और उन दरिंदों को ऐसी सजा दिलाए कि जिससे हम लोग और उन्हें इंसान मिले और उन्हें इंसान मिले यहाँ पर रखिए दोस्तों हमने ये कैंडल और हम भगवान से दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उन्हें जल्दी जल्दी इंसाफ मिले। क्यों क्या कहते हैं है ना, हमारी बहन को इंसाफ चाहिए बस, उनको फांसी की सजा मिले और जल्दी सब देखें उनको फांसी की सजा मिले और उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो है ना, माता पिता को भी सहने की शक्ति है। कहेंगे आप लोग कुछ बोलो परेशान ना हो। अब 2 मिनट के लिए हम मौन रहेंगे, 2 मिनट के लिए हम मौन रहेंगे। शुरू कर रहे व्यवहार किसी भी दुश्मन के बेटे के साथ न हो। जब ऐसा देखते हैं सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सब ये सोचते हैं कि अपनी अपनी है, अरे सब अपनी बेटियां हैं, सब अपनी बेटियां हैं। सही बात है, आज निकल के आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हुआ है। ये आवाज मीडिया के उससे कहीं ना कहीं हमारी भी यहाँ की जाएगी और मैं आशा करती हूँ हम आज के पेड़ के नीचे हैं, मैं अगर भगवान यहाँ से सुन रहे तो उन्हें प्रेस कर रही हूँ, मैं बाबा इनको जरूर न्याय दिलाए, जरूर न्याय दिलाए, बेटी तो हमारी चली गई, उनको न्याय मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ममता को भी इसकी जरूर सजा मिलनी चाहिए, एक ममता औरत होने के नाते, औरत होने के खुद को बेटी नहीं है ना, सही बात है, खुद को दर्द नहीं है, जब ऐसा दर्द खुद झेले तब उसको पता लगे ना, उसको बेटी नहीं है, यही चीज आशा के साथ कि हमें न्याय मिलेगा बेटियों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हमारा जो फ्यूचर ना बन पाए वो हमारी बेटियों का बन पाए जी, जी। पर इस तरीके से हर माँ बाप माँ डरेगी अपनी बच्ची को निकालने के लिए, मैं इसलिए सरकार से अपील करती हूँ कि कोई ना कोई कड़ा निर्णय जरूर ले। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि ये तो डॉक्टर की पता लग गया, आए दिन छोटी छोटी कितनी ना जाने जो हमारे से छुपी हुई है कितनी शिकार होती है, इसीलिए हम के मैं कहना चाहूंगी बस सरकार से मेरी यही दरखास्त है कि इसके खिलाफ कड़े से कड़ा कानून लागू किया जाए, ताकि हर कोई दरिंदा इस कंपनी को करने से पहले 10 बार सोचे, उसकी रूह कांपे। बिल्कुल ही हम तो ये नहीं समझ पाते कि उनके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या। बोलूंगी पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया, हमें क्या उस बेटी को दिया, और बाकी मैं ये चाहूंगी कि उस बेटी को इंसाफ मिले और हम भी जो हमने प्रोग्राम किया हुआ है और आज ये कैंडल मार्च का प्रोग्राम निकाला हुआ है, तो मैं चाहूंगी कि ये वहां तक पहुंचे और इसकी आवाज़ उठे और हमें देख देख के सारे लोग इस चीज़ को करें और इसके भागीदारी बने, और लास्ट में मैं यही कहूंगी कि उसकी मतलब जो भी ये ऐसा हुआ है जो हमारी डॉक्टर बेटी है उनकी आत्मा को शांति मिले और उन दरिंद्रों को ऐसी सजा मिले कि जिसको देख के मतलब और लोगों की रूह कांपे, और बाकी हम लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए हमने आज प्रोग्राम किया है तो उसकी हम सभी लोग कैंडल मार्च निकाला हुआ है, तो सभी का धन्यवाद करती हूँ मैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए, और सभी बहनों का धन्यवाद करना चाहिए दिल से कि आप लोग आए और हमें कीमती समय दिया।
और ऐसा ही संयोग देते रहे, साथ देते रहे, हम आपको नाम हमारे सब एक है। हाँ जी, देखो हम ऑफिशियली तो बोल नहीं सकते, हाँ जी, 1.5 लाख का मोबाइल फोन रख सकते हैं ना, तो खिलाड़ी रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 10 लाख हमारी यही है, अगर सभी बहने साथ देंगे तो हमारी कोशिश यही है। अपने घर में दिखाओ ना, बिल्कुल बिल्कुल, अपने घर में करो, अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए। वो तो डॉक्टर दोस्तों, सब अपने अपने विचारधारा को व्यक्त कर रहे हैं, मैं दिखा दूँ थोड़ा बहुत आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से, क्योंकि जिसके मन में जो आ रहा है वो थोड़ा बहुत बोल रहा है, क्योंकि जो आक्रोश भरा हुआ है सबके अंदर है, तो दिखाती हूँ मैं आपको एक बार। ये देखो दोस्तों, सबके अंदर आक्रोश भरा हुआ है और सब बोल रहे हैं। फाइनली मैं वहाँ से आ गई घर और मैंने सारा कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है, दिखा दिया आप लोगों को, और प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब मैं इस व्लॉग को यहाँ पर रखती हूँ, कल मैं आपको मिलती हूँ नई उमंग, नई तरंग और नई ताज के साथ। प्लीज़ मेरे व्लॉग को खूब लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। व्लॉग को करती हूँ यहाँ पर एंड। जय श्रीमंदारायण।